हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल मारवाड़ी। सो फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड के ऊपर मैं एक WCC2 पर एक और नई वीडियो लेके आया हूं। मेरी पिछली वीडियो WCC2 के बैटिंग ट्रिक आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छे व्यूज आए, इसलिए मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर मेरे साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नई नई वीडियो का मजा ले सके। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो हाँ दोस्तों, मैं आपको इस ट्रिक में एक ट्रिक के नाम पर बहुत सारी ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको पहले से बता दूँ, दो ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप रन्स कैसे बचा सकते हैं। आप खेल रहे होंगे यार, रन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी बैटल लिया हो या बीच टूर्नामेंट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, उसमें रन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पर धुलाई हो रही हो बॉलिंग पर, तो आप उससे बच कैसे सकते हैं। बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप ये यूज करेंगे तो 100% आपके एक भी रन गवाएंगे नहीं, ठीक है। और दूसरी ट्रिक मैं बताऊंगा, नॉर्मली विकेट लेने की ट्रिक, और वो भी ट्रिक बहुत 100% वर्क है। सो लास्ट तक देखते रहिए, आपको ये दोनों ट्रिक देखनी है और समझनी है तो आप समझ पाएंगे। फर्स्ट ट्रिक में आपको यही बताऊंगा कि आप रन कैसे बचा सकते हैं। तो सिंपली देखिए, बैक ये देखिए, आपको इस गेंद पर रन्स बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। जैसे कि मैं टेस्ट मैच में इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप फील्डिंग वगैरह अच्छे से देख सकते हैं। तो अब ये फील्ड आपको ये जमानी है, ऐसी फील्ड जमानी जो बैट्समैन के पास में हो, फील्डर्स बहुत ज़्यादा भी नहीं और थोड़े से, जैसे कि पुल शॉट भी लगाए तो उतना पास में, और आपको बैट्समैन से थोड़ा सा दूर बॉल रखनी है और थोड़ी सी शॉट रखनी है, यही गेंद रखनी है, और वो आसानी से आउट हो जाएगा, ठीक है। और इस पर आउट ही छोड़िए, मैं ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ कि रन्स बचाने हैं। रन्स तो जाएंगे नहीं और ऊपर से आपको विकेट्स भी मिलेंगे, तो ये बढ़िया ट्रिक है, आप पर बहुत यूजफुल ट्रिक है, और इस पर रन्स तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक की खासियत ये है कि आप जैसे कि बाहर से अंदर लाइन या फिर अंदर से बाहर, इसी पर पिच, यही पिच रखिएगा, जिससे कि क्या होगा कि ये खेलेगा और उस वो शॉट छोड़ के दूसरा शॉट है ही नहीं जा पर वो मार सके, इसलिए वो ये करेगा कि जो भी 5 गेंदे ये खेलेगा और लास्ट गेंद पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तब जाके आपको एक चांस मिलेगा कि आप उसको आउट कर सकते हैं, वरना तो आपके रन्स तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो ये ट्रिक रन्स से बचने के लिए है। तो ये देखिए, ये आगे बढ़ गया, मुझे पता ही था, तो लास्ट गेंद पर ये थक जाएगा और आसानी से आगे बढ़ेगा। तो गाइस, सेकेंड ट्रिक ये है कि आपको रन्स कैसे बचाने हैं। रन्स बचाने की दूसरी ट्रिक यही भी है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, फास्टर बॉलर लेना है, कोई भी बॉलर ले लीजिए, इसकी कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी बॉलर लेना है। और आपको जैसे कि मैं एक दो रन्स लगा के दिखा देता हूँ कि आप कहेंगे कि प्रूफ के साथ बता दीजिए। तो जैसे कि ये गेंद पर 4 गया, तभी आपको बाहर आना है अपनी होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आइए, कब आना है, जब एम्पायर का इशारा आने से पहले और 4 का निशान आने से पहले, और आपको स्लाइड स्क्रीन पर जो ये है उससे हटा देना है। अब वापस आपको WCC2 में गेम में जाना है और अपने गेम को वापस ऑन करना है, और जो भी आप खेल रहे थे बीच टूर्नामेंट, जो भी आप खेल रहे थे उसमें वापस जाना है। और जैसे कि मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, तो मैं टेस्ट मैच में वापस गया और उसी मैच में गया जहाँ पर मैंने अभी 4 मुझे पड़ा है, मैं 4 पड़ा है, तो मैं उसी मैच में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरा 4 वो अभी तक लगा है या नहीं। ये ट्रिक तब काम आती है जब आप बड़े बड़े मैचेस खेल रहे हो, बैटल खेल रहे हो, बीच टूर्नामेंट खेल रहे हो, तब ये रन्स बहुत अहमियत रखते हैं और ये रन्स बहुत दुखते हैं। तो वहाँ पर आप ये ट्रिक यूज़ करके आप इन रन्स से बच सकते हैं और टूर्नामेंट तो इजीली जीत सकते हैं। आई होप सो आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। अभी तक तो मुझे लगता है ये 4 रन तो नहीं गए। सो गाइज, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार और आपका सपोर्ट रहे तो मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज लगाऊंगा। तो थैंक यू गाइज।